हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी को क्या पनिशमेंट मिलेगा, क्या कर्मा मिलेगा आपको दर्द देने का, आपको यू रुलाने का, आपको यू सताने का, उसे क्या चीजें इसके बदले में मिलेंगी, ये चीजें देखने की जानने की कोशिश करेंगे। बस गाइस, आपको यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना होगा, ये जो भी रीडिंग होने जा रही है वो जनरल कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होने जा रही है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, यानी कि लड़का लड़की कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इस थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा आपको यू सताने का, आपको यू रुलाने का, आपको यू दर्द पहुंचाने का। गाइड कीजिए, बस प्लीज डिवाइन के साथ ये जस्ट फॉर ओरिएंटेड प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या करना मिलेगा इस थर्ड पार्टी को मेरे वेयर्स को दुख दर्द और तकलीफ देने के बदले में। पेशेंस, कॉम्प्रोमाइज, गाइड कीजिए बस, बताइए क्या कर्मा मिलेगा इस थर्ड पार्टी को मेरे व्यूअर्स को ये दुख तकलीफ और ये आंसू देने के बदले में। यूनिवर्स सॉरो, गाइड कीजिए बस, बताइए क्या कर्मा मिलेगा इस थर्ड पार्टी को मेरे व्यूअर्स को ये दुख तकलीफ और ये आंसू देने के बदले में। यूनिवर्स आउटसाइडर, एक कार्ड और डीजे यूनिवर्स से बताइए क्या कर्मा मिलेगा इस थर्ड पार्टी को ये दुख तकलीफ और यूं आंसू देने के बदले में। यूनिवर्स टोटलिटी, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज ओरिएंटर्स प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा मेरे व्यूअर्स को ये दुख तकलीफ और यूं आंसू देने के बदले में। यूनिवर्स गाइड कीजिए यूनिवर्स और डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स, क्या करना मिलेगा इस थर्ड पार्टी को मेरे व्यूअर्स को ये दुख तकलीफ और आंसू देने के बदले में। ग्रीफ, क्वेस्ट, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या करना मिलेगा इस थर्ड पार्टी को। मिस्टिज्म, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए बिटर स्वीट, एक कार्ड यूनिवर्स बताइए कंप्लिकेशन। ठीक है, देखिए गाइस, सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करते हैं। ये जो भी एनर्जीज होंगी उस थर्ड पार्टी की, उस थर्ड एनर्जी की होगी जिसके लिए आज आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो। यानी कि इस एनर्जी से ना आपका कोई वास्ता ना आपके पर्सन का कोई वास्ता है। अगर आप लोगों की सिचुएशन में एक से ज्यादा थर्ड पार्टी हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। यहाँ पे एनर्जीज आई हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ठीक है, मुझे यहाँ पर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपका रिश्ता 5 साल का था अपने पर्सन के साथ और इस थर्ड पार्टी ने 5 महीने से आपको आपके पर्सन से अलग कर रखा है, जुदा कर रखा है। या फिर मई मंथ जो इस थर्ड पार्टी की वजह से आपसे जुड़ गया है, जो आपके मन से जहन से निकालने से भी नहीं निकल रहा है, तो आज आपको ये नंबर और ये मंथ इस तरह से लेने हैं। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेसिकली इस थर्ड पार्टी के होने की वजह से आप बहुत लंबे समय से स्टक हो। आप ना मूव ऑन कर पा रहे हो, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप अपने पर्सन का वेट कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे द आउटसाइडर एंड द पेशेंस दोनों कार्ड है। यानी कि इस थर्ड पार्टी की वजह से आपको काफी वक्त हो गया है अपने पर्सन का यू इंतजार करते करते, वेट करते करते, और आप इस वजह से काफी ज्यादा दर्द में हो, काफी ज्यादा परेशान और स्टक हो गए हो। कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी की वजह से आपको अपने पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज तक करने पड़ रहे हैं जो शायद आपको नहीं करने थे, या फिर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में बनकर रह गए हो उस थर्ड पार्टी की वजह से जिसमें आपको अपने पर्सन का अगर साथ चाहिए तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको दबना पड़ेगा और आपको ही सब कंडीशंस को मानना पड़ेगा जो शायद आपके लिए अब परेशानी दे रही हैं, आपको शायद वो चीजें अब दिक्कतें दे रही हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है
काफी लोगों के केस में डेफिनेटली यहाँ पर एक थर्ड पार्टी नहीं है, काफी सारे लोग हैं जिन लोगों ने आप लोगों के बीच में ये परेशानी, ये सिचुएशन को खराब करा है, ये चीजें दिख रही हैं। थर्ड पार्टी जो है वो मुंह की बहुत मीठी है, यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं। अंदर से जितनी कड़वी, जितना जहर, जितने सीक्रेट्स, जितने राज इसके हैं, उतनी मुंह से ये मीठी लगती है और बोलती भी है, बहुत सीधी ये दिखती भी है और दिखाने की कोशिश भी करती है अपने आप को। सीक्रेट्स बहुत है इस थर्ड पार्टी के अंदर, यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं और वो सीक्रेट्स ये बारी बारी से अपने गेम की तरह यूज करती है, एक तरह से माइंड गेम बहुत ज्यादा खेलती है, यहाँ पर ये चीजें ज्यादा दिख रही है। इस थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन से जुदा कर कर इतना ज्यादा रुलाया है, इतना परेशान करा है कि शायद आप कितनी रातें तो सोए भी नहीं हो, यहाँ पर ये चीजें भी ज्यादा दिख रही हैं। ठीक है, मतलब आप अपने पर्सन को याद कर काफी ज्यादा रोए हो, काफी नेगेटिव हुए हो, काफी गुस्सा भी आया है, फ्रस्ट्रेशन भी आई है, सब चीजें आपके साथ हुई हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जीज आई है। ठीक है, तो ये तो एनर्जी, ये तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्लियर करा कि आपको क्या क्या तकलीफ मिली जो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी का कर्मा ही प्रेजेंट कर देती है। तो ये बताने का भी एक मोटिव था ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि इस दर्द का, इस दुख की, इस तकलीफ का कर्मा इसे क्या मिलने वाला है। तो देखिए गाइस, सबसे पहली चीज तो जितना पेशेंस आपने कहीं ना कहीं अपने पर्सन को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर कर लिया है ना, बस बहुत कर लिया है। कहीं ना कहीं यही पेशेंस करना, यही शोक बनाना, यही रोना, यही धोना, अपने पार्टनर को याद करके, अपने सबसे ज्यादा चहेती चीज को याद करके रोना धोना, यही सब आपकी बजाय इस थर्ड पार्टी के पलड़े में जाने वाली है। यहाँ पर ये चीजें भूली जा रही है, जितना वेट आपने कर लिया, जितना शोक बना लिया, रो लिए, वही सब इस थर्ड पार्टी के पलड़े में जाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है एज अ कर्मा। जो कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं आपको मनाने के लिए बोला जा रहा था, आपको दबाने की कोशिश करी जा रही थी, वो सब के सब कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के पलड़े में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसे ये कॉम्प्रोमाइज बेसिकली इसलिए करने पड़ेंगे ताकि ये एक अपनी जो स्टेबल लाइफ रहना चाहती है, एक स्टेबिलिटी चाहती है, उसको पा सके। उसके अलग ये जो थर्ड पार्टी जितने राज अपने दिल में रखती थी ना, जितने इसके पैतरे थे, जितना भी ये माइंड गेम खेलती थी, वो सब इसने जो दिल में दबा रखे थे वो अल्टीमेटली इसके दिल में ही रह जाएंगे। लेकिन वो दिल में जो रहेंगे वो एक दुख बनकर रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यही इसके पैतरे, यही इसका स्मार्टनेस, यही इसके राज जो है इस पर भारी पड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यही सब राज अब इसके ऊपर एक नेगेटिव थॉट्स की तरह असर डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बेसिकली इस थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि ये अपने आप को स्टक फील करने वाली है, और जब ये अपने आप को स्टक फील करेगी तो इसे इसी सीक्रेट्स के मामले में काफी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे जो इसे सोने भी नहीं देंगी और जो इसे गिल्ट भी पहुंचाएंगी। यानी कि अल्टीमेटली इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगेगा कि भाई जो इसने करा वो इसने गलत करा, इसने अपना कर्मा खुद से अपने हाथ से क्रिएट करा है, जो इसे अब दर्द की तरह, जो इसे अब स्टकनेस की तरह, यू वेट करने की तरह सर्व करा जा रहा है, ऐसा इसे फील होगा। यानी कि खुद ही ये अपने आप को मानने के लिए तैयार हो जाएगी कि हाँ मेरे करे की सजा मुझे मिल रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी जितना मीठा बोलने की कोशिश करती है और ये भी समझती है कि सामने वाला पर्सन इसे नहीं समझ पा रहा, इसकी स्मार्टनेस को नहीं समझ पा रहा, वो सब इसके पैतरे, वो सब इसके राज सामने वाले के पास पूरी तरह से खुलेंगे। यानी कि जो दिल में छुपाकर मुंह से बोलती थी अब ऐसा नहीं होगा, जो दिल में होगा ना मुंह से वही निकलेगा इसके। क्योंकि मेंटली जब ये स्टेबल नहीं होगी, मेंटली ये डिस्टर्ब रहेगी, तो इसे ये नहीं समझ में आने वाला कि ये क्या बोल रही है, क्या इसे छुपाना है। तो जो इसके मन में आएगा वो गलत ही बोलेगी और जो सामने वाले पर्सन पर इसकी असलियत को शो करेगा, यहाँ पर ये है। और इसका रीजन यही है कि ये थर्ड पार्टी डिस्टर्ब हो जाता है ना, जैसे कोई पर्सन मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, ये वही हो जाएगी, क्योंकि इसने दिमाग से बहुत ज्यादा काम कराना, तो अल्टीमेटली वही दिमाग भ्रष्ट होने वाला है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन्स फेस करने वाली है ये जो भी थर्ड पार्टी है, काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े और काफी लोगों का
मतलब एक होता है ना, सारी दुनिया में इसे ऐसा लगने वाला है कि सब इससे आते हैं, लड़ने के लिए ही आते हैं, सब इसके लिए लड़ने के लिए ही बैठे हुए हैं, इसे ऐसा लगेगा। यानी कि ये इसकी खुद की सोच बन जाएगी, क्योंकि काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, तो इसे ऐसा लगेगा कि सब जो भी है ना, कोई मेरे भले के लिए नहीं बोल रहा, सब मुझसे लड़ने के लिए बोलते हैं, सब मेरा बुरा चाहते हैं, ऐसा इसकी सोच बन जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं यही थर्ड पार्टी की सोच है, सामने वाले का बुरा ही चाहती है, तो यही सोच इस पे हावी हो जाएगी। यहाँ पर ये चीजें बताई जा रही है, इसे ऐसा लगने लगेगा कि सामने वाला मेरा भला नहीं चाह रहा, चाहे वो भला ही चाह रहा हो, लेकिन जो सोचता है, जैसा सोचता है ना, वो सामने के लिए ऐसा ही सोचने लगता है। सेम इसके साथ भी ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है। इसे ऐसा ही लगने वाला है कि सब मेरे साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, सब मेरे गलत के लिए कर रहे हैं, सब मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, मेरे साथ लड़ने के लिए आ रहे हैं। मतलब नेगेटिव थॉट्स के बीच में अपने आप को बहुत ज्यादा घिरा हुआ फील करेगी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, अपनी सबसे चहेती चीज से ये दूर हो जाएगी। यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं। अब ये चहेती चीज इसकी कोई भी हो सकती है जिससे इसने जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी भी पर्सन ने अपनी लाइफ में किसी से बहुत ज्यादा एक्सेस में प्यार ना करा हो। इसके साथ यही होने वाला है, इसका कर्मा इसको वही मिलेगा जिसके लिए ये जिंदगी भर रोती रहेगी, परेशान रहेगी, और शायद इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा मेंटली पागल सी या डिस्टर्ब सी भी हो जाएगी। यहाँ पर ये चीजें भी बोली जा रही हैं। और देखते हैं टैरो से भी, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा, मेरे व्यूअर्स को ये सताने, ये रुलाने, ये परेशान करने के बदले में, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या कर्मा मिलेगा मेरे व्यूअर्स को ये सताने, ये परेशान करने, ये रुलाने के बदले में, थर्ड पार्टी को यूनिवर्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, गाइड टीचिंग वैसा बताइए थर्ड पार्टी को इसका क्या करना मिलेगा यूनिवर्स, गाइड टीचर बताइए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या करना मिलेगा, एट ऑफ पेंटिकल्स, गाइड टीचर वैसा बताइए थर्ड पार्टी को क्या करना मिलेगा इसके फर्क करने के बारे में, गाइड टीचर वैसा बताइए, फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए थर्ड पार्टी को, टेन ऑफ सोर्ड्स क्या करना मिलेगा इसके लिए, बुलाने सताने ये परेशान करने के बदले में, गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए। दो कार्ड्स खुल गए, द मैजिशियन एंड द हाई प्रीस्ट। बॉटम ऑफ द डेक आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जीज ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और यहाँ पे एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, इसने आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा जहर घोला है, बहुत नेगेटिविटी, बहुत कड़वाहट इसने घोल दी है आप लोगों की लाइफ में। इवन कुछ लोगों के केस में तो इसने ब्लैक मैजिक तक का यूज कर डाला है। यहाँ पर ये चीजें दिख रही है, जिस वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, चीट करा, आपकी लाइफ से चले गए, यहाँ पर ये दिख रहा है। यानी कि इसने इतने जख्म दिए हैं आपको, इतना दर्द दिया है कि आप कई बार तो रातों को सो नहीं पाए हो, कई बार आपने उठ उठ कर पूरी रात निकाली है, यानी कि बिना सोए आपने पूरी रातें निकाल दी हैं। यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज ज्यादा दिख रही है, बहुत ज्यादा टॉर्चर करा है इसने आपको मेंटली, और भड़काया बहुत है आपके पर्सन को ताकि ये आपकी लाइफ से चले जाए। यहाँ पर ये भी दिख रहा है, पूरा मतलब माइंड गेम खेला है ये जो भी थर्ड पार्टी है आप लोगों की सिचुएशन में, सब चीजों को एनालाइज करके क्या चीज कब यूज करनी है, ये चीजें ज्यादा दिख रही हैं। देखो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, सबसे पहला कर्मा इसका दिख रहा है ये बीमार होने वाली है, इसको हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा इश्यूज होने वाले हैं, कुछ ऐसे इश्यूज जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, मेंटली ज्यादा डिस्टर्ब होने वाली है ये थर्ड पार्टी। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी जैसे पैसों को लेकर बहुत ज्यादा
क्यूरियोसिटी रखती है, पैसा पैसा गाती रहती है हर समय, यहाँ पे पेंटिकल्स इवेल्युएट करके रखती रहती है, पैसा संभाल संभाल कर रखती रहती है। तो इसे इसी पैसों से लेकर दिक्कत आने वाली है, जिसे अल्टीमेटली अब इसे ही बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने जीवन की रोजी रोटी चलाने तक के लिए। इसका ये हालत यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि अभी तक ये थर्ड पार्टी जो ऐश और आराम कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन जो इसे देते थे उसके बलबूते पर कर रही थी। लेकिन अल्टीमेटली इस थर्ड पार्टी को ये फाइनेंशियली क्राइसिस भी बहुत ज्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इतने ज्यादा कि इसे खुद से काम करना पड़ेगा, इतना ज्यादा कि इसे ना कुछ भी इसके लिए मतलब छोटे से छोटा काम तक करना पड़ेगा। यहाँ पर ये चीजें ज्यादा दिख रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, हेल्थ को लेकर मैंने बताया कि मेंटली ज्यादा डिस्टर्ब है, मेंटली टॉर्चर, क्योंकि इसने बेसिकली आपको यही दिया, इसने आपको मेंटली टॉर्चर ही करा है, तो इसे बदले में मेंटली टॉर्चर ही मिलने वाला है। ये भी कई रातों तक जागे जाकर बैठेगी, उठ उठ कर रोएगी, कई रातों तक इसे ऐसा लगेगा कि ये अकेली रह गई है, कोई इसे बैक स्टेप कर रहा है, कोई इसे चीट करेगा, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। किसी पर्सन से, कुछ लोगों के केस में ये थर्ड पार्टी किसी और से ज्यादा अट्रैक्ट होगी, लेकिन वो पर्सन अल्टीमेटली इसे भी छोड़कर जाएगा। यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज है, यानी कि जिसे पे ये बहुत ज्यादा भरोसा करेगी वो पर्सन बेसिकली एक प्लेफुल वाली एनर्जी में होगा, जो इसे भी चीट करेगा, इसके साथ विश्वासघात करके इसे बैक स्टेप करके इसकी लाइफ से जाएगा। यहाँ पर ये भी दिख रहा है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुकी कि इसकी कोई चहेती चीज इससे दूर हो जाएगी, वो यहाँ पर यही एनर्जी आई है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी, बहुत ज्यादा मतलब एक ऐसा होता है ना, नेगेटिव थॉट्स में घिरे रहना और किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाना, अपने आप को गिल्टी फील करते रहना, वो सब इसके साथ होने लगेगा। यहाँ पर ये भी दिख रहा है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता ही चुकी कि सामने वाले पर्सन का इसे यही लगेगा कि ये मुझसे लड़ रहा है और मेरे गलत के लिए कर रहे हैं, मेरे गलत के लिए बोल रहे हैं, ऐसी इसकी थॉट बन जाएगी, जो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में क्रिएट कर रही थी, आपके पर्सन को ऐसा ही बना रही थी कि वो आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रखने लगे थे, आप पे चिड़चिड़ाते थे, आपसे मिसबिहेव करते थे, जो फीलिंग्स रखते थे वो एक्सप्रेस नहीं करते थे, तो वही सब इसके साथ होने वाला है। यहाँ पर ये चीजें ज्यादा दिख रही हैं। जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक, गलत शक्तियों का भी यूज करा है, वो शक्तियां भी कहीं ना कहीं इसी के पास वापस से लौटती हुई नजर आ रही है, इसी को परेशान करती हुई, इसी के ऊपर काले बादल की तरह मंडराते हुए भी नजर आ रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो जिस शक्ति का यूज करता है वो अपने पर्सन के पास ही लौट कर आता है, तो वो शक्तियां वापस से इसके पास लौट कर भी आएंगी और इसे परेशान भी करेंगी। यहाँ पर ये चीज है, जो काली शक्तियां होती हैं वो कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करती हैं कि भाई किसके ऊपर छोड़ा है, किसने छोड़ा है, जिसके पास उन्हें जाना है वो उन्हीं के पास जाती हैं, और जो अल्टीमेटली एज अ कर्मा इस थर्ड पार्टी के पास ही लौटती हुई मुझे नजर आ रही है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी अगर किसी और रिलेशनशिप में जाएगी ना, तो इसे कोई सीरियस रिलेशनशिप वाला पर्सन नहीं मिलेगा, यानी कि कभी भी थर्ड पार्टी एक लॉन्ग स्टेबिलिटी नहीं पा पाएगी, यानी कि इसकी कोई ना कोई फैमिली होगी, ना बच्चे होंगे, या फिर आप ये कह सकते हो कि जिसके साथ ये रिलेशनशिप में आएगी वो इसे सिर्फ और सिर्फ चीट ही करेगा। यहाँ पर ये चीजें भी ज्यादा दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि चीटिंग की एनर्जीज है, तो जो इस जिससे भी ये ज्यादा अटैच्ड होगी, जिसके साथ भी अपनी फैमिली में बनाना चाहेगी, वो बेसिकली इसे चीट ही करेगा और इसकी लाइफ से चला ही जाएगा या चली जाएगी। यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जीज भी आई है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानती है और अपनी इमेज लोगों के सामने बहुत अच्छी बनाए रखती है, यानी कि बहुत ज्यादा मीठा बोलती है, क्योंकि ये अपनी इमेज का इसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि भाई सामने वाला पर्सन मुझे किस नजरों से देखता है, किस तरह की मेरी लोगों के सामने इमेज है, तो वो सब इमेज भी इसकी खराब हो जाएगी, इसकी जो भी गुडविल है आज तक की वो इज्जत इसकी धरी की धरी रह जाएगी। यहाँ पर ये चीजें भी दिख रही है, यानी कि सामने वाले पर्सन को ये पता होगा कि ये जो पर्सन है कितना ज्यादा कड़वा है, मुंह से भले इसके मीठे बोल निकल रहे हैं लेकिन अंदर इसके जहर है, बहुत मैन्युपुलेटिव है, बहुत ज्यादा
बातों को तोड़ मरोड़ के बोलता है या बोलती है, ये सारी चीजें इसकी सबको अच्छे से पता भी चल जाएंगी। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, यानी कि लोग मुंह पर बोलेंगे इसके सामने कि भाई ऐसा हम तुम ट्रस्टेबल पर्सन नहीं हो, विश्वास करने वाली बात तुम नहीं करते हो, कहीं ना कहीं इसके ऊपर ऐसे भी इल्जाम लगाए जाएंगे। यहाँ पर ये चीजें भी दिख रही हैं, ठीक है। तभी ये थर्ड पार्टी ना हर किसी से कॉम्प्रोमाइज करते हुए सबके बीच सबके आगे दबते हुए झुकते हुए नजर आ रही है, जो कहीं ना कहीं इसके स्टेटस पे मैच नहीं खाता था। आज की डेट में जो मैच नहीं खाता ना, कि किसी से दबना नहीं है, किसी से ढंग से बोलना नहीं है, वो अल्टीमेटली इसे एज अ कर्मा सर्व करा जाएगा। यहाँ पर ये चीजें भी दिख रही हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस थर्ड पार्टी को काफी ज्यादा धक्के लगने वाले हैं। और जिन लोगों के केस में यहाँ पर एक से अधिक थर्ड पार्टी है, तो ऐसा नहीं है कि भाई सभी चीजें मिलेंगी, कुछ को कुछ मिलेगा, कुछ को कुछ मिलेगा, जिसने जैसा किया उसको वैसा ही मिलेगा। यहाँ पर ये चीजें भी हैं, ठीक है। चलिए मेजर अरकाना से और देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस थर्ड पार्टी को इसके किए की क्या सजा मिलेगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या सजा मिलेगी इस थर्ड पार्टी को उसके किए की। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए इस थर्ड पार्टी को उसके किए की क्या सजा मिलेगी। जस्टिस, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या सजा मिलेगी इस थर्ड पार्टी को। द हैंगमैन, एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, बताइए इस थर्ड पार्टी को उसके किए की क्या सजा मिलेगी। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या सजा मिलेगी इस थर्ड पार्टी को उसके किए की। द एम्परर, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए गाइस, डेफिनेटली ये जो भी थर्ड पार्टी है ना आप लोगों की सिचुएशन में, आप लोगों के केस में, इसे अपनी इमेज तो बहुत ज्यादा प्यारी है। ये जो भी थर्ड पार्टी है हमेशा अपने आप को ऊपर बनाए रखती है या रखता है, जो भी आप लोगों के सिचुएशन में है। एक अपने आप को अथॉरिटी पर्सन की सामने वाला, इसी के हिसाब से चले, इसी के कंट्रोल में चले, यहाँ पर ये चीजें तो डेफिनेटली है। तो यही चीज मैंने आपको बोली कि इसका कर्मा यहाँ पर यही है कि ये जितनी अपने आप को पावर अथॉरिटी समझती है, वही सारी पावर इससे छीन ली जाएंगी, इसका कर्मा इसे दिया जाएगा। यहाँ पर ये चीज है, क्योंकि बेसिकली ये अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रही है, जो भी थर्ड पार्टी है आप लोगों की सिचुएशन में। तो यहाँ पर न्याय होने वाला है, इसने जैसा पावर का यूज करा, इसे उसकी पावर उसी हिसाब से सर्व करी जाएगी, इसका कर्मा इसे उसी हिसाब से दिया जाएगा। यहाँ पर ये चीज है। जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि इस थर्ड पार्टी ने जो कर्मा करे हैं, जिस तरह के दुख तकलीफ दी हैं, जितने लोगों की इसने बद्दुआएं, जितने लोगों की हाय इसने ली है, वो सब इसके खाते में ऑलरेडी लिखा जा रहा है, सब लोगों, सब चीजों को बैलेंस करा जा रहा है, और इसे उसी हिसाब से इसका कर्मा दिया जा रहा है, जो हम ऑलरेडी क्लियर भी कर चुके हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के साथ ऐसे होने वाला है कि इसे अपनी ही लाइफ बहुत ज्यादा बोझ की तरह, बहुत ज्यादा भार की तरह लगने वाली है। इसे ऐसा लगने वाला है कि ये जीकर क्या करेगी। मतलब एक होता है ना कि बंदा होप खोने लगता है अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से, जब हर तरफ से धक्के खाने को मिलते हैं, हर तरफ से परेशानियां होती हैं, गिल्ट होने लगता है, नेगेटिव थॉट्स घेरने लगते हैं आसपास के, काला अंधेरा, काले बादल जब छाने लगते हैं, तो अपनी ही लाइफ जब बोझ जैसी लगने लगती है, तो वही इसे लगने वाला है। और ऐसा भी इसीलिए होगा इसके साथ क्योंकि इसने अपने खाते में यही लिखा है। ये कर्मा इसको इसीलिए दिए जाएंगे क्योंकि इसने ये खुद से लिखे हैं, किसी और ने जाकर इसके अकाउंट में नहीं लिखे हैं। विद इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड, अगर इन दोनों कार्ड्स को मैं साथ में पढ़ती हूँ तो ये पूरी तरह से क्लियर बताते हैं कि इसको इसका पश्चाताप करने के लिए इन सब चीजों को उसे होकर गुजरना पड़ेगा, ताकि इसे अपनी गलतियों का एहसास हो सके। यहाँ पर ये चीज है, ये सब चीजें इसे फेस जरूर करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली गाइस, इस थर्ड पार्टी को यहाँ पर इसका कर्मा जरूर मिलेगा। और काफी लोगों का सवाल यहाँ पर उठता है कब। देखिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है गाइस, बेसिकली कर्मा तभी मिलता है जब वो आपका पीक पॉइंट तक पहुंच जाए,
और इस थर्ड पार्टी का कर्मा इसके पीक पॉइंट तक पहुंच ही गया है। यहाँ पर ये चीजें तो डेफिनेटली दिख रही है, यानी कि इसने हर किसी को रुलाया, हर किसी को परेशान करा और जाने कितने लोगों की हाय ली है। सिर्फ और सिर्फ आप ही नहीं हो जिनकी हाय इस थर्ड पार्टी ने ली है। इसने अपनी इमेज बनाने के लिए, अपने आप को अथॉरिटिव करने के लिए पता नहीं कितने लोगों की हाय, कितने लोगों को दुख तकलीफ दी है। तो उन लोगों की हाय जब बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी, जब इसका कर्म का घड़ा पूरी तरह से भर जाएगा, जब वो पीक पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो सब इसे कर्मा इसे दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस चीज की श्योरिटी बिल्कुल है कि इसे इसका कर्मा जरूर मिलेगा। विद इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड जस्टिस कार्ड, आपको भी न्याय मिलेगा, इसको भी न्याय मिलेगा। इसको उस तरह का न्याय मिलेगा जैसा इसने करा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो इसने इस पलड़े में भरा है वो ही इसे सर्व करा जा रहा है। यहाँ पर ये चीज है जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस भी कर चुकी हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है गाइस, आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो इस थर्ड पार्टी को। अगर आप इस रीडिंग से थर्ड पार्टी को अपनी सिचुएशन में जो भी है उसे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज बताइएगा जरूर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।